लास्ट वीडियो में हमने पॉन का इंट्रोडक्शन देखा था, जिसके अंदर हमने देखा था कि वो सिर्फ आगे की तरफ चलता है और जब एंड पे जाके सबसे लास्ट रो में जाके तरक्की कर जाता है फिर वो बैक आ सकता है, अदरवाइज वो सिर्फ आगे चलता है, पीछे नहीं आ सकता। लेकिन प्यादे के अलावा जितनी भी एंटिटीज हैं हमारे पास चेस के अंदर, वो सब की सब आगे भी बारी चल सकती हैं और पीछे भी आ सकती हैं इनके वापस। तो सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं जी बिशप को, वजीर जो है हमारे पास, ठीक है। ये क्या करेगा, ये डायगनल में चलेगा बारी, ठीक है, डायगनल के अंदर, जैसे मल्टीप्लाई का साइन होता है ना, यानी कि अगर ये किसी भी जगह पर पड़ा हुआ है तो उसके डायगनल के अंदर इस तरह बारी चलेगा या फिर इस तरह बारी चलेगा, ठीक हो गया, जैसे ये आपको नजर आ रहा है पिक्चर के अंदर साथ। तो इसी तरह दूसरी चीज जो है हमारे पास वो क्या है, टावर, रूख। ये बाउंड्रीज पे पड़ा होता है वैसे, लेकिन हम इसे कहीं पे भी चेस में, पूरी चेस में कहीं पे भी मूव करवा सकते हैं। और करता क्या है ये, जैसे वो मल्टीप्लाई के साइन में चलता था, ये चलता है प्लस के साइन के अंदर इस तरह, ठीक है। हॉरिजॉन्टल भी बारी चल सकते हैं इससे हम, और वर्टिकल भी बारी चल सकते हैं, ठीक हो गया। और जो तीसरी चीज़ है हमारे पास वो है क्वीन। अगर हम ये बिशप और रूक के फंक्शन को मिक्स कर दें, यानी कि इस तरह भी और प्लस के साइन में भी, जैसे हम तीन गोटी बनाते हैं बचपन में खेलते होते थे, तो वो जो तीन गोटी बनेगी ना, जैसे बिल्कुल उन सारी डायरेक्शंस के अंदर क्वीन बारी चल सकती है। इसका मतलब ये हुआ तकरीबन क्वीन जिस जगह पर पड़ी होती है तो आधी चेस वो कवर करके बैठी होती है कि वो कभी भी किसी को भी मार सकती है, ठीक हो गया। इसीलिए सबसे पावरफुल एंटिटी कौन है, चेस की क्वीन। और अक्सर ऐसा होता है कि आप अगर ऑनलाइन चेस खेल रहे हो, आप सामने वाले की क्वीन मार दें तो वो गेम ही छोड़ के चला जाता है, हालांकि क्वीन के बगैर भी खेलना आना चाहिए, आखिर बाकी भी तो एंटिटीज हैं, उनका भी कुछ ना कुछ फंक्शन है, तो उनसे भी खेलना आना चाहिए। तो अब ये तो हो गए इन तीनों के फंक्शन, ठीक है। अब उसके बाद जो सबसे मुश्किल चीज़ है, जो मोस्टली मुश्किल होती है समझने में, वो है घोड़े की चाल, ठीक है। इंग्लिश में नाइट कहते हैं इसे, हॉर्स भी कहते हैं, लेकिन वैसे हम नॉर्मली घोड़ा इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये जो घोड़ा है, इसका फंक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है, और इसका फंक्शन जो है अगर आपको समझ आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि हमें चेस जो है वो समझ आना शुरू हो गई है। अब गौर करिएगा ज़रा, अगर किसी भी जगह के ऊपर ये जो हमारे पास घोड़ा है ये पड़ा हुआ है, तो ये अपने चारों तरफ ढाई चाल चलेगा, यानी कि एक यहाँ पर ये पड़ा हुआ है, ठीक है, एक दो ये ढाई, इस तरफ भी और इस तरफ भी, यानी कि दोनों तरफ बारी चल सकेगा। इसी तरह अगर हम दूसरी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, एक दो ढाई ऊपर या नीचे, इसी तरह नीचे की तरफ एक दो ढाई, इस तरफ या इस तरफ बारी चलेगा। इसी तरह यहाँ पर पड़ा हुआ है तो एक दो ढाई, यानी कि इस तरफ और इस तरफ भी बारी चल सकेगा, यानी जिस जगह पर ये पड़ा हुआ होता है तो अपने आसपास आठ जगहों के ऊपर ये बारी चल सकता है। लेकिन अब अगर आपके जहन में होगा तभी आप पता चला सकेंगे कि इसने किस तरफ जाना है। और अक्सर ऐसा होता है कि कोई चीज़ घोड़े के फुट स्टेप पर पड़ी होती है लेकिन आप उसका फंक्शन नहीं जानते या अभी प्रैक्टिस नहीं है तो हम उसे मिस कर जाते हैं। तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है, अगर ये समझ आ गया तो तकरीबन समझ लें कि चेस जो है वो हम खेलना स्टार्ट कर सकते हैं इनिशियली। तो इसे गौर से देखिएगा, समझिएगा, कोई क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। घोड़े की चाल को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक हो गया। ढाई चाल चलता है, आपको नज़र भी आ रहा है पिक्चर के अंदर कहाँ कहाँ बारी चल सकता है। अगर ये साइड्स पर पड़ा होगा तो ज़ाहिर है फिर कम जगह पर बारी चल सकेगा, और अगर बिल्कुल सेंटर में पड़ा होगा तो ज़्यादा जगहों पर बारी चल सकेगा, क्योंकि ज़ाहिर है अगर साइड पे पड़ा होगा तो सिर्फ इस तरफ बारी चल सकेगा, ये वाली साइड कवर नहीं हो पाएगी, ठीक हो गया। और ये जो एंटिटीज़ मैंने अभी आपके सामने डिफ़ाइन की हैं प्यादे के अलावा, इन सब को अगर हम कहीं पर चल चुके हैं तो ये वापस भी आ सकते हैं, ठीक हो गया। ये सारी एंटिटीज़ इस किस्म की हैं कि ये कहती हैं कि मेहरबान हो के बुला लो मुझे चाहो, जिस वक्त मैं गया वक्त नहीं हूँ कि फिर आ भी ना सकूँ। तो इस तरह से हम इसे डील कर सकते हैं कि अगर कोई भी एंटिटी एक मर्तबा अगर आगे चल गई तो हम उसे वापस भी ले सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है इसके अंदर, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर फिर हम देखेंगे किस तरह हमने प्ले करना है। थैंक यू सो मच।